हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ, बॉस का जो रेगुलेटर आता है वो कैसे चेक करना है। अपने पास रेगुलेटर टेस्ट है दोस्तों, कट ऑफ टेस्ट है। इसको दोस्तों मेन देना पड़ता है, यहाँ से ऑन ऑफ हो जाता है। पहले वीडियो में बताऊँ मैं दोस्तों, इसमें जो चार वायर रहती है, एक तो मेन हो गया ए वाली, एक दोस्तों अर्थिंग है, एक जो आउटपुट निकलती हमारा इस बल्ब के लिए कट आउट में से वो के निकलता उसके लिए होती है, और एक जो पुराने जो रेगुलेटर आती है उसमें वो जो एक एक्स्ट्रा वायर लगती थी दोस्तों उसके लिए आती है। इसका कोई मतलब नहीं होता, अपने को खाली तीन वायर यहाँ पे मेन रहती है, और ये जो दो वायर है दोस्तों ये डायोड के लिए रहती है, लेकिन ये प्रॉपर चेक नहीं होती। अपनी रेक्टिफायर प्लेट की जो डायोड आती है दोस्तों उसके लिए दो वायर रहती है। देखिए अभी इसको मिलाऊंगा तो मैं ये लाइट लगने वाला, ये देखिए इसको मिला दिया तो ये लाइट लगेगी। एक साइड से लगनी चाहिए, एक साइड से नहीं लगनी चाहिए, यह सब उसका मतलब है दोस्तों जब हम रेक्टिफायर प्लेट चेक करते हैं। लेकिन इसका कोई भी मतलब ही नहीं, अपने को क्या चेक करना है, जो रेगुलेटर है दोस्तों SR6 वो चेक करना है। सॉरी दोस्तों, जो हमारा बॉस का रेगुलेटर है वो चेक करना है। अभी दोस्तों इसको क्या करना है, अपने को एक जो है दोस्तों ग्राउंड यहाँ पे एक वायर आप देख रहे हैं शोल्डर करना, तो कुछ कुछ में वायर नहीं रहती, तो आपको क्या करना है यहाँ पे दे देनी, ये देखिए दोस्तों यहाँ पे देनी है। एक जो मेन है दोस्तों यहाँ पे चेक कर लेना है, एक जो आउटपुट रहता है दोस्तों ये देखिए, ये आउटपुट का ब्रश देख रहा है आपको एक मेन का, और एक जो है दोस्तों अर्थिंग का। ओके दोस्तों, ये जो है दोस्तों ये वाला जो है ये मेन का है दोस्तों, एक आउटपुट का ब्रश ये वाला, और एक अर्थिंग का है ये वाला। तो आपको क्या करना है, मेन का यहाँ पे दे देना है, ये देखिए यहाँ पे रख देना लगा, और एक अर्थिंग तक दे चुके हैं, और एक जो दोस्तों ब्लू वायर देख रहे हैं एक आउटपुट की, ये मेन है, एक अर्थिंग है और एक आउटपुट की, ये आपको यहाँ पे से आउटपुट मिलने वाला है। ये भी देखिए इसका वोल्टेज बढ़ाता हूँ, ये देखिए अभी लाइट लगेगी, ये देखिए इसको आपको इस ब्रश के अंदर दे देना है, ये देखिए फिर दोस्तों जैसे बढ़ाऊंगा 14 के ऊपर जैसे वोल्टेज आएगा तो अपना लाइट कट हो जाएगा। ये देखिए दोस्तों कितना भी बढ़ाए तो लाइट नहीं लगना चाहिए, अभी कम करेंगे तो फिर से लगेगा, कभी नहीं लगा तो भी ये जो रेगुलेटर है वो ख़राब माना जाएगा, और बढ़ाने के बाद 14 के ऊपर जाने के बाद भी कभी लाइट लगेगा तो ख़राब माना जाएगा। तो इसका वैसा ही तरीका रहता है चेक करने, ये देखिए अभी 14 के ऊपर जाएगा तो लाइट हमारा बंद हो जाएगा, ओके जैसे नीचे आएगा तो चालू होना चाहिए। कभी इतने वोल्टेज पे, अभी अपना 10 वोल्टेज पे, वोल्टेज पे भी कभी लाइट नहीं लगा तो अपना रेगुलेटर खराब माना जाएगा, और कभी 14 वोल्टेज के ऊपर जाने के बाद भी लाइट बंद नहीं होती भी हमारा रेगुलेटर खराब माना जाएगा। ओके दोस्तों, तो इसके अंदर अपने को तीन सप्लाई रहते हैं, एक मेन यहाँ पे देना है अपने को मेन, एक अर्थिंग की जो पट्टी होती है दोस्तों ए वाली, ये दोस्तों ये मेन की हो गई एक वाली, ये ब्रश भी एक मेन का रहता है आपका आगे वाला, और एक जो ब्रश है दोस्तों आउटपुट का रहता है जो स्टेटर के लिए, सॉरी दोस्तों अपने रोटर के लिए निकलता है, और एक यहाँ पे ग्राउंड रहता है। ये वायर को भी दिया तो भी चलेगा, लेकिन कुछ कुछ में ये वायर नहीं रहती, जो ओरिजिनल आता है उसमें, अभी जो नई निकला है उसमें नहीं रहती, ये पुराने मॉडल का है अपने पास, बॉस का ही है तो इसमें रहती है। ओके दोस्तों, तो आज की वीडियो में इतना ही था, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।